बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राजकुंद्रा पोर्नोग्राफी मामले में गिरफ्तार हुए हैं। उन पर पोर्न फिल्में बनाने और उन्हें प्रकाशित करने का आरोप लगा है। भारत में पर्सनल स्पेस पर पोर्नोग्राफी देखना प्रतिबंधित नहीं है, लेकिन राजकुंद्रा को जिस पोर्नोग्राफी कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है उसमें पोर्न फिल्म बनाना, उसे सार्वजनिक तौर पर दिखाना, वितरित करना और प्रकाशित करना अपराध माना गया है। इसके अलावा भी देश में कुछ पोर्न साइट पर सरकार ने प्रतिबंध लगाया हुआ है और कई बार पोर्न फिल्में डाउनलोड करना, उन्हें देखना भी अपराध हो सकता है। तो आइए जानते हैं क्या है भारत में पोर्न संबंधित कानून। भारत में ऑनलाइन अपराध को नियंत्रित करने के लिए आईटी अधिनियम 2002 लागू है। आईटी एक्ट के तहत पोर्न से संबंधित कुछ विशेष परिस्थितियां हैं जहां सजा और जुर्माने के प्रावधान किए गए हैं। आईटी एक्ट की धारा 67A के तहत यदि पोर्न का कंटेंट रेप या शारीरिक शोषण से जुड़ा हुआ है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा आईटी एक्ट चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मामले में सख्त है, क्योंकि यदि कोई पोर्न नाबालिगों से संबंधित है तो इसमें आईटी एक्ट धारा 67B के तहत कार्रवाई की जाएगी। आईटी एक्ट के अलावा चाइल्ड पोर्नोग्राफी को रोकने के लिए उसके लिए सजा का प्रावधान करने के लिए यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 बनाया गया है। पॉस्को एक्ट के तहत ऐसे पोर्न डाउनलोड करना, देखना और शेयर करना अपराध है जिसमें बच्चों को शामिल किया गया। आईटी एक्ट और पॉस्को एक्ट के अलावा भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 292, 293, 294, 500, 506, 509 के तहत भी पोर्नोग्राफी के मामले में सजा का प्रावधान किया गया है। अब प्रश्न यह उठता है कि जब भारत में निजी तौर पर पोर्न देखना प्रतिबंध नहीं है तो फिर राजकुंद्रा को किस अपराध में गिरफ्तार किया गया है? भारत में लागू आईटी एक्ट के अंतर्गत किसी वेबसाइट या डिजिटल पोर्टल पर पोर्न सामग्री अपलोड करना जब कोई थर्ड पार्टी इसका एक्सेस कर सके अपराध माना गया है। इसके अलावा सोशल मीडिया, ईमेल, व्हाट्सएप मैसेज के जरिए पोर्न फिल्मों का प्रसारण करना, किसी दूसरे व्यक्ति को अश्लील फोटो या वीडियो भेजना भी अपराध माना गया है। राजकुंद्रा भी पोर्न फिल्में बनाने और उसे प्रकाशित करने के आरोपित है। बता दें राजकुंद्रा ने पोर्न वीडियो भारत में ही बनाए, मगर जिस एप्लीकेशन पर उनका प्रसारण किया जाता है वो हॉटशॉट ऐप विदेश में रजिस्टर्ड कैंड्रन नाम की कंपनी द्वारा बनाया गया था। भारत के साइबर पोर्नोग्राफी कानून से बचने के लिए यह कंपनी विदेश में रजिस्टर्ड कराई गई थी और भारत में शूट की गई पोर्न फिल्म में वीटा ट्रांसफर नाम के डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए कैंड्रन को भेजी जाती थी। जानकारी के लिए बता दें वीटा ट्रांसफर के माध्यम से बड़ी साइज की फिल्म आसानी से ट्रांसफर की जा सकती है। हालांकि हॉटशॉट ऐप ना तो गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध था और ना ही एप्पल प्ले स्टोर पर, लेकिन इसे APK फाइल की मदद से फोन में इंस्टॉल किया जा सकता है। हॉटशॉट पर भारत से करीब 10 लाख यूजर मौजूद हैं। हॉटशॉट के अलावा पोर्न फिल्मों को कई अन्य एप्लीकेशन पर पेड सब्सक्रिप्शन के साथ भी बेचकर सारा मुनाफा कमाया गया।